जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है ये ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है और ये ओनर के नाम से ही ओपन होता है। इसका पर्पस अपनी सेविंग्स को प्रमोट करना होता है। और करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेस का होता है। तो बिजनेस में जो भी आप कैश एट बैंक लिखते हैं तो आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? करंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसलिए जब अमाउंट सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में जाएगा तो पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में जा रहा है तो एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, और करंट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में सेविंग अकाउंट में आएगा तो एक तरह से अपना ड्रॉइंग्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। अभी बताया मैंने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट मीन पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में, तो ये एक टाइप का क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी, इसमें हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, तो इसमें एंट्री करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जा रहा है मींस बिजनेस के अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, तो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।